माई डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू टूडे? आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट पेरिटोनाइटिस इन पेरिटोनियल डायलिसिस। क्या होता है पेरिटोनाइटिस? तो पेरिटोनाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिटोनियम, द लाइनिंग ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। हमारी एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर एक लाइनिंग होती है जिसको हम पेरिटोनियम बोलते हैं। इस पेरिटोनियम में जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है इसको हम लोग बोलते हैं पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनियम मेम्ब्रेन में सूजन आ जाती है तो इसको हम लोग पेरिटोनाइटिस। तो इट इज ए सिग्निफिकेंट कॉम्प्लिकेशन इन पेशेंट अंडरगोइंग पेरिटोनियम। जो पेशेंट पेरिटोनियल डायलिसिस पर हैं बहुत ही कॉमन सा कॉम्प्लिकेशन। नाउ कॉजेज ऑफ द पेरिटोनाइटिस, पेरिटोनाइटिस का कॉज क्या होता है? तो पेरिटोनाइटिस इन पीडी इज ऑफन कॉज बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जो पेशेंट पेरिटोनियल डायलिसिस पर हैं पेरिटोनाइटिस वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। अब ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है ये या तो होता है कि जब डायलिसिस एक्सचेंज के टाइम में अगर कंटेमिनेशन हो गया तो उसकी वजह से भी हो सकता है, या फिर जो है इम्प्रॉपर हैंड हाइजीन है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। दूसरा कॉज जो है वो है फंगल इन्फेक्शन का। अगर हम कॉमन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इसमें देखिए या तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, या तो फिर ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, या फिर ये फंजाई की वजह से। अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की हम बात करें तो इसमें स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइटिस है, दूसरा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करें तो इसमें आता है आपका एस्टर्जिया कोलाई आता है और क्लिसबेला आता है। फंजाई में आपका आता है कैंडिडा, लेकिन जो सबसे कॉमन कॉज है वो है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। फ्रेंड्स, हियर इज ए अनाउंसमेंट अबाउट डायलिसिस स्टडी एप्लीकेशन। यहाँ पर आपको ई बुक्स मिल जाएंगी, आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, फ्री नोट्स मिल जाएंगे, जॉब अलर्ट्स मिल जाएंगे, डायलिसिस कोर्स भी आने वाला है, आपको वीकली क्विज वो मिल जाएंगे, डायलिसिस पेशेंट के लिए भी इसमें चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अगर आईफोन और आईओएस की बात करें तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर विजिट करना होगा जहाँ पर सारे वो इंस्ट्रक्शन है कि किस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ सिम्टम्स ऑफ पेरिटोनाइटिस की बात करें तो इसमें देखिए कॉमन सिम्टम्स वो रहते हैं एब्डोमिनल पेन है, फीवर है और क्लॉडी डायलिसेट है। उसके अलावा पेशेंट को नोजिया, वोमिटिंग सभी चीज़ें हैं। तो जो सिम्टम्स है पेरिटोनाइटिस के उसका आपको बहुत ज़रूरी है कि आप इसको तुरंत रिकग्नाइज कर लें और जो भी आगे फिर इसका ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट को स्टार्ट कर दें। देखिए हम डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस में देखिए हम डायलिसेट फ्लूड का उसका हम व्हाइट सेल्स WBC काउंट करा लेते हैं। तो अगर जो डायलिसेट जो क्लाउडी मिल रहा है उसमें व्हाइट ब्लड सेल्स का काउंट वो 100 से ज़्यादा मिल रहा है और न्यूट्रोफिल्स वो 50% से ज़्यादा अगर मिल रहा है तो ये पेरिटोनाइटिस का ये डायग्नोसिस है। उसके अलावा फिर आप डायलिसेट फ्लूड का वो कल्चर भी करा सकते हैं ये देखने के लिए कौन सा कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है ताकि उस हिसाब से एंटीबायोटिक आप वो यूज़ कर सकें। अगर हम पेरिटोनाइटिस के मैनेजमेंट की बात करें तो देखिए इसमें एंटीबायोटिक थेरेपी जो भी गाइडलाइन के हिसाब से वो हमें स्टार्ट कर देनी है, जो भी ऑर्गेनिज्म हिसाब से ये स्टार्ट हो जाएगी। फिर ट्रीटमेंट ऑफ फंगल पेरिटोनाइटिस है, अगर फंगल इन्फेक्शन है तो फिर फंगल का हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे और कैथेटर अगर रिमूवल इंडिकेट है तो फिर कैथेटर को हम रिमूव कर देंगे। आमतौर से जो फंगल इन्फेक्शन होता है उसमें कैथेटर रिमूव कर दिया जाता है। देखिए प्रिवेंशन स्टडीज की अगर हम बात करें तो एजुकेशन ऑन प्रॉपर कैथेटर केयर एंड हाइजीन इज एसेंशियल फॉर प्रिवेंशन। जो भी पेशेंट है या केयर गिवर है तो कैथेटर केयर के बारे में और हाइजीन के बारे में एजुकेट करना बहुत जरूरी है। उसके अलावा जो पेशेंट है या केयर गिवर है उनका फिर रेगुलर ट्रेनिंग भी जरूरी है और रूटीन फॉलो अप है एंड मॉनिटरिंग है तो जो ये पेरिटोनाइटिस है उसका अर्ली डिटेक्शन करने में काफी है।